अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपके साथ अपने सेकंड सेशन का को शुरू करूंगी। सेकंड सेशन जो है हमारा वो रेडियो वर्सेस टेलीविज़न और रेडियो वर्सेस फिल्म है। इससे पहले हमने पहले सेशन में कुछ रेडियो ग्लॉसरीज के बारे में पढ़ा था और इसके अलावा हमने रेडियो वर्सेस न्यूज़पेपर के कुछ पॉइंट्स आपसे शेयर किए थे। आज का जो है हमारा पहला मौजू है रेडियो वर्सेस टेलीविज़न। टेलीविज़न दरअसल रेडियो की ही तौसी याफ्ता शक्ल है। जब टेलीविज़न ईजाद हुआ तो लोगों का ख्याल था कि अब रेडियो सुनने वाले टेलीविज़न देखेंगे और रेडियो का जादू जो सर चढ़ कर बोल रहे ख़त्म हो जाएगा। हाँ, टेलीविज़न ने कुछ फ़र्क तो ज़रूर डाला है, लेकिन रेडियो आज भी मौजूद है और उसके सामईन भी इसे ज़ौक व शौक से सुनते हैं। जहाँ तक हम टेलीविज़न की बात करते हैं तो आज के दौर में जबकि कंप्यूटर और इंटरनेट का दौर है तो हम देखते हैं कि टेलीविज़न की भी अहमियत उस तरह नहीं रही है जिस तरह आज से पहले हुआ करती थी। लेकिन बहरहाल हर मीडिया का अपना एक अहम रुझान होता है और ऐसा नहीं होता है कि कोई भी मीडिया सिरे से ही ख़त्म हो जाए। उसकी ज़ाहिर रीडरशिप में फ़र्क आता है, बट ये है कि हर मीडिया का अपना एक अलग मेयार होता है, अहमियत होती है जो हमेशा रहती है। रेडियो का ताल्लुक क्योंकि सुनने से है और मुतादित मुल्कों में इसे एक मौसर ज़रिए इबलाग भी समझा जाता है। ये इबलाग आम्मा के चारों मकासद की तकमील करता है, यानी टू इंटरटेन, टू एजुकेट, टू इंफॉर्म और टू इंटरप्रेट। यानी इल्म देना, मालूमात मुहैया करना, तफरी देना और राय आमा की तश्कील करना। जबकि टेलीविज़न रेडियो की ही तरक्की याफ्ता शक्ल है। आवाज़ का जादू तो है ही, इसके साथ साथ तस्वीर भी टेलीविज़न में हम देखते हैं। तस्वीर से नाज़रीन महसूस करते हैं कि किरदार इनके सामने बातचीत कर रहे हैं और वो गोया इन तमाम मनाजिर में शरीक हैं। तो ज़ाहिर है जब कोई किरदार तस्वीर के साथ आपके सामने आता है तो उसका इम्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा होता है। रेडियो क्योंकि हम सिर्फ सुन रहे होते हैं, वो सिर्फ हमारी इमेजिनेशन को टच कर रहा होता है, जबकि टेलीविज़न में हमारी इमेजिनेशन से ज़्यादा जो चीज़ें हमारे सामने होती हैं वो हम पे नज़रअंदाज हो रही होती हैं। इसका सेकंड पॉइंट नोट कर लें, रेडियो प्रोग्राम की पेशकश का अंदाज़ इस तरह का होता है कि प्रोग्राम रिकॉर्ड कराते वक्त तहरीर सामने रखी जाती है, क्योंकि सामईन जो होते हैं वो सिर्फ आवाज़ सुनते हैं। चुनाचे मुतादित प्रोग्राम तहरीर को पढ़कर रिकॉर्ड किए जाते हैं। ठीक है, तो ये रेडियो की बहुत बड़ी खसूसियत है कि उसमें इतनी टेलीविज़न की तरह टेंशन नहीं होती है कि आपको वहाँ हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है। यहाँ सिर्फ तहरीर आपके सामने होती है और आप उसको सिर्फ पढ़ के ऑन एयर कर देते हैं। इसकी मिसाल मैं इस तरह दूंगी कि रेडियो में अगर कोई ड्रामा नशर हो रहा है और उसमें कोई शख्स बादशाह का किरदार अदा कर रहा है तो वो बादशाह की आवाज़ और डायलॉग के ज़रिए ही बादशाह का किरदार निभाएगा। जबकि टेलीविज़न के प्रोग्राम को और मौसर और पुरकशिश बनाने के लिए अदाकारों को स्क्रिप्ट याद करना पड़ता है। ठीक है, और रेडियो में आपको स्क्रिप्ट याद नहीं करना पड़ता है, आप देख के भी पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा अदाकारों को किरदार के मुताबिक अपनी ड्रेसिंग भी करनी पड़ती है टेलीविज़न, जो कि एक बहुत बड़ा इसमें आपका कसीर सरमाया भी लगता है और ज़ाहिर है इसके लिए बहुत सारे आपको लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ता है। तो ये एक रेडियो की बहुत बड़ी सहूलत है। इसीलिए हर किरदार ने जो कुछ कहना होता है रेडियो पर वो ज़बानी याद करता है और वो कागज़ सामने रखकर डायलॉग पढ़ना जो है वो टेलीविज़न के लिए बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। और चाहे वो ड्रामे हो, चाहे वो कोई और भी प्रोग्राम हो, टेलीविज़न में हमेशा आपको स्क्रिप्ट याद करके आना पड़ता है, जबकि रेडियो में आपके पास ये सहूलत है कि आप अपने सामने स्क्रिप्ट रख दें और उसको इस स्टाइल में पढ़ें कि उसको आपको ये ऐसा लगे कि आप किसी से बात कर रहे हो। तीसरा पॉइंट नोट करें, रेडियो का ताल्लुक क्योंकि सुनने से है इसलिए रेडियो में आवाज़ को बुनियादी अहमियत हासिल है। रेडियो को निस्बतन अच्छी और खनकदार आवाज़ों की ज़रूरत होती है, जबकि दूसरी तरफ टेलीविज़न के प्रोग्रामों को नाज़रीन के लिए पुरकशिश बनाने के लिए अदाकारों को अदाकारी, अच्छे चेहरे, किरदार की मुनासबत से लिबास और उनके अरकात व सकनात का बहुत दखल होता है। क्योंकि यहाँ चेहरा नज़र आता है इसलिए टेलीविज़न को अच्छे चेहरों की ज़्यादा ज़रूरत होती है।
तो ये पॉइंट आप यहाँ पे नोट कर लें कि रेडियो के लिए आवाज़ बुनियादी अहमियत की हामिल होती है। रेडियो में जब भी आपकी सिलेक्शन की जाएगी तो आपकी आवाज़ को देख के की जाएगी, जबकि टेलीविज़न में आवाज़ से ज़्यादा आपके अच्छे चेहरों की ज़रूरत होती है। इसका अगला पॉइंट नोट करें, रेडियो से अब भी ऐसे प्रोग्राम नशर होते हैं जिनकी नौईयत सहाफ़ियाना होती है, ताहम टेलीविज़न के मुकाबले में रेडियो की अहमियत बहरहाल कम हो रही है। जहाँ तक तफरी की फराहमी का ताल्लुक है तो टेलीविज़न को रेडियो पर बरतरी हासिल है। ज़्यादा ज़बानों में ज़्यादा प्रोग्राम पेश करने में रेडियो को टेलीविज़न पर फोकियत हासिल थी। ये बात पीटीवी की हद तक तो दुरुस्त थी, अब जबकि निजी टेलीविज़न का दौर है तो अब मुतादित इलाकाई ज़बानों के चैनल भी मार्केट में आ गए हैं, जैसे पंजाबी ज़बान के चैनल, अपना चैनल है, रावी चैनल है, सिंधी ज़बान का चैनल है, और इसके अलावा पश्तो ज़बान के भी चैनल हैं। अब इलाकाई ज़बानों पर रेडियो की बढ़तरी भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है। अगला पॉइंट नोट कर लें, तरक्की पज़ीर मुल्कों में रेडियो की नशरियात दिन रात के ज़्यादातर हिस्सों में जारी रहती है। इन अवकात में आबादी के मुख्तलिफ तबक़ात के लिए प्रोग्राम नशर किए जाते हैं। क़बल अज़ीं तरक्की पज़ीर मुल्कों में टेलीविज़न की नशरियात कम अवकात के लिए होती थी, लेकिन अब जो कि इंटरनेट का दौर है तो रेडियो की अब टेलीविज़न की नशरियात भी अब हर घर में 24 घंटे देखी जा सकती हैं। निजी टेलीविज़न के भी चैनल 24 घंटे नशरियात देते रहते हैं, तो वक्त के मामले में भी टेलीविज़न को रेडियो पर फोकियत हासिल है। अगला पॉइंट नोट करें, आवाम तक रसाई के एतबार से अभी तक रेडियो बुनियादी अहमियत का हामिल है। दुनिया में सबसे ज़्यादा तादाद रेडियो स्टेशन और रेडियो स्टेशनों की है। कम आमदनी वाले लोग भी सस्ता रेडियो सेट खरीद सकते हैं, जबकि इसके मुकाबले में टेलीविज़न महंगा है। महंगा होने के साथ साथ ये इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, तो जिन इलाकों में बिजली नहीं है वहाँ इससे इस्तेफादा नहीं किया जा सकता है। तो दो अहम बात ये हो गई कि एक तो आवाम तक इसकी रसाई आसानी से होती है, और दूसरे ये कि ये बिजली से चलता है, लेकिन इसमें ये बात हो सकती है कि अगर अब बिजली नहीं है, और जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो फिर हम टीवी नहीं देख सकते हैं। जबकि रेडियो क्योंकि अब आप इंटरनेट वगैरह पे भी दस्तियाब है, तो लोगों के लिए उसमें आसानियां हैं कि वो सुन सकते हैं उसको। अगला पॉइंट नोट कर लें, रेडियो सफ़र के दौरान या चलते हुए भी सुना जा सकता है। ऐसा भी मुमकिन है कि कोई शख्स काम के साथ साथ रेडियो भी सुन रहा हो, क्योंकि इसके लिए सिर्फ कुव्वत समाअत की ज़रूरत होती है, यानी सिर्फ सुनने की ज़रूरत होती है। जबकि दूसरी तरफ टेलीविज़न देखने के लिए काम छोड़कर इसके सामने बैठना पड़ता है, चुनाचे इससे सिर्फ फारिग औकात से ही इस्तेफादा किया जा सकता है, क्योंकि आपको इसमें अपने सेंसेस यूज़ करने पड़ते हैं। आँखें और कान दोनों टेलीविज़न की तरफ आप लगाते हैं, तब आप उसकी नशरियात को सही तरह इंजॉय कर पाते हैं। अगला पॉइंट नोट करें, रेडियो प्रोग्रामों की तैयारी निस्बतन आसान होती है, इसलिए कि सिर्फ आवाज़ ही को रिकॉर्ड करना होता है। इन प्रोग्रामों पर खर्च भी कम आता है, जबकि दूसरी जानिब टेलीविज़न के प्रोग्राम की तैयारी में ज़्यादा अखराजात और वसाइल सर्फ होते हैं। टेलीविज़न के लिए स्टूडियो की ज़रूरत होती है, ताकि यहाँ पे आप शूट कर सकें। उस स्टूडियो रेडियो के लिए भी बनाना पड़ता है, लेकिन रेडियो का स्टूडियो निस्बतन सस्ता होता है। अगर इसको कंपैरिजन करें टेलीविज़न से, तो इन दोनों के एक्सपेंस में फ़र्क आपको नज़र आएगा। पाकिस्तान के मुतादित इलाकों में इलाकाई रेडियो स्टेशन भी कायम हो चुके हैं। इन रेडियो स्टेशनों से मकामी ज़बानों में प्रोग्राम नशर किए जाते हैं, और लोगों की आम सरगर्मियों के अलावा अमली, इल्मी और अदबी इदारों की कार्रवाइयाँ भी नशर की जाती हैं। रेडियो के प्रोग्राम तनव्वो लिए हुए होते हैं। इस मैदान में अब टेलीविज़न रेडियो से आगे निकल चुका है, जबकि मुतादित निजी चैनल्स ने भी मुख्तलिफ तरह की रिपोर्टिंग में वसत पैदा की है। टेलीविज़न के प्रोग्रामों में भी बहुत वसत और तनव्वो पाया जाता है। रेडियो का ताल्लुक चूँकि सुनने से है, इसलिए ये टेलीविज़न के मुकाबले में कम मौसर है, क्योंकि टेलीविज़न ना सिर्फ
सुना जाता है बल्कि देखा भी जाता है, और बैक वक्त देखी और सुनी हुई चीज़ों का असर सिर्फ सुनी हुई चीज़ों से ज़्यादा होता है। दूसरी तरफ टेलीविज़न क्योंकि फिल्म के ज़्यादा करीब है तो इसके ज़रिए दिया जाने वाला पैगाम ज़्यादा मौसर होता है। चुनांचे कहा जा सकता है कि टेलीविज़न अबलाग का मौसर तरीन ज़रिया है। इसके बाद अब हम आपको रेडियो और फिल्म का कंपैरिजन बताएंगे, कुछ पॉइंट्स आपको बताए जाएंगे जो रेडियो और फिल्म के कंपैरिजन से मुतालिक हैं। आप इन पॉइंट्स को नोट कर लें ताकि आगे चल के जब आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो इसका आपने एक अपने तौर पे सिर्फ अपने आप को इन्फॉर्म करने के लिए एक समरी लिखनी होगी। ये कोई असाइनमेंट नहीं है, ये सिर्फ आप अपनी नॉलेज के लिए इसको इस तरह करेंगे ताकि ये जितनी चीज़ें आपको बताई गई हैं वो आपके जहन में अच्छी तरह बैठ जाएं। फिल्म और रेडियो अपने असरात के लिहाज से तकरीबन यकसा अहमियत के हामिल हैं, लेकिन दोनों के तफरी के अंदाज में फ़र्क है। टीवी तफरी से हटकर तालीम और साइंस के मैदान में फिल्म से एक कदम आगे है। अब हम आपको कुछ पॉइंट्स देंगे जहाँ से आपको पता चलेगा कि रेडियो और फिल्म में किस तरह हम कंपैरिजन कर रहे हैं। रेडियो तो तफरी मुहैया करने के साथ साथ सहाफती मकासद के भी काम करता है। इससे न्यूज़ बुलेटिन, करंट अफेयर्स के प्रोग्राम, इंटरव्यू और मुबाहसे मुसलसल और तसलसल के साथ पेश किए जाते हैं, जबकि दूसरी जानेब फिल्म बुनियादी तौर पर तफरी देने वाला ज़रिया इब्लाग है। अगरचे आजकल डॉक्यूमेंट्री फिल्में और तस्वीरी खबरनामों की सूरत में तैयार होने वाली फिल्में अमूमन फिल्म हॉल में दिखाई जाती हैं और इन्हें सिर्फ वही लोग देख सकते हैं जो सिनेमा हॉल्स में फिल्म देखने के लिए आते हैं। कि रेडियो के लिए आपको कहीं जाना नहीं पड़ता है, लेकिन फिल्म देखने के लिए आपको जतन करने पड़ते हैं, आपको जाना पड़ता है, अपने पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं। तो ये यहाँ पे रेडियो को इस लिहाज से फोकियत हासिल है कि वो घर बैठे सुना जा सकता है। रेडियो एक कारोबार की सूरत इख्तियार नहीं कर सका, बल्कि ये महज इबलाग आम्मा का ज़रिया है। हालांकि रेडियो पर भी कमर्शियल सर्विस और इश्तहारात चलते हैं और अब तो प्राइवेट रेडियो चैनल्स इसे बिजनेस के तौर पर चला रहे हैं, लेकिन फिर भी इन्हें ज़्यादातर प्रोग्राम तफरीही नौयत के रखने होते हैं और ये इस तरह का बिजनेस नहीं है जिस तरह का बिजनेस फिल्म है, जबकि फिल्म एक बाकायदा बिजनेस है। आज़ाद मुल्कों में भी फिल्म साजी को एक सनत शुमार किया जाता है। निजी शोबे में फिल्म कारोबारी बुनियादों पर तैयार की जाती है और इसे तीन अलग शोबों में तकसीम किया जाता है। फिल्म बनाना, इसके डिस्ट्रीब्यूशन और नुमाइश, ये तीन अलग अलग कारोबार शुमार होते हैं। अगरचा फिल्म साजी फिल्म सेंसर बोर्ड के तहत आती है, फिर भी फिल्म बनाने वाले को खासी आज़ादी हासिल होती है, जबकि टेलीविज़न में हमारी बाउंड्रीज लिमिटेड होती हैं। हमें बहुत सारी चीज़ों का ख्याल करके जो है रेडियो के प्रोग्राम्स बनाने होते हैं। अगला पॉइंट, रेडियो अपने असरात के लिहाज से फिल्म से कमतर तसव्वुर होता है, क्योंकि रेडियो से नशर होने वाले प्रोग्राम अमूमन इतने रंगीन या पुरकशिश नहीं होते और ये सिर्फ सुनने के लिए होते हैं, देखने के लिए नहीं। जबकि अबलागे अम्मा के तमाम ज़राए में फिल्म को ज़्यादा मौसर तसव्वुर किया जाता है। इसकी पहली वजह तो ये है कि फिल्म कहानी और किरदारों की सूरत में होती है और उसे देखने वाले किसी न किसी किरदार को अपने ऊपर तारी करके फिल्म का लुत्फ लेते हैं और इससे असर कबूल करते हैं। एक तो फिल्म अपने असर अंदाज होने के लिहाज से काफ़ी अहम है कि इसका असर काफ़ी अरसे तक रहता है। बाज़ दफ़ा कुछ ऐसी फिल्में आ जाती हैं जो आवाम में बहुत मकबूल होते हैं, उनके कैरेक्टर्स मकबूल हो जाते हैं और लोग जो है उसको बहुत अरसे तक याद रखते हैं। अगला पॉइंट, किसी रेडियो प्रोग्राम को तैयार करना निस्बतन बहुत आसान है। एक मुकर्रर रेडियो के स्टूडियो में बैठकर गुफ्तगू करता है जो बराह रास्त लोगों के लिए नशर हो सकती है। एक राइटर खुद ही तकरीर लिखता है और इसे रिकॉर्ड करवा देता है और वो हवाओं की लहरों की दोष पर सामेन की समात तक पहुँच जाती है, जबकि नशरियात के टेक्निकल
मामलात को देखने के लिए रेडियो का टेक्निकल अमला मौजूद होता है, जबकि फिल्म मुतअद्दिद मरहाइल में पाए तकमील को पहुंचती है। एक राइटर फिल्म की कहानी लिखता है, कोई दूसरा स्क्रीन प्ले तैयार करता है, तीसरा शख्स मुकालमे लिखता है, एक हिदायतकारी का काम करता है, आवाज़ की रिकॉर्डिंग का अलग शोबा है, कैमरे से फिल्म शूट की जाती है एक दूसरा शोबा है, फिर इसकी एडिटिंग का मरहला दरपेश होता है, और इसी तरह कई मराहिल से गुजर कर एक फिल्म जो होती है वो अपने पाए तकमील को पहुंचती है। अगला पॉइंट नोट करें, टीवी के मैदान में आने से रेडियो पर चंद मनफी असरात, ठीक है, नेगेटिव एस्पेक्ट भी हुए हैं। तमाम फिल्म के मुकाबले में रेडियो अब भी ज़्यादा मौसर जरिए इब्लाग है, ज़्यादा इफ़ेक्टिव जरिए इब्लाग है। जिन घरों में टीवी की सहूलत मौजूद है, इन घरों में भी बास मकासद के लिए रेडियो सुना जाता है, ठीक है। लेकिन और इसमें बास दफ़ा घर के जो बुज़ुर्ग होते हैं वो अभी भी टेलीविज़न के मुकाबले में रेडियो सुनने को तरजीह देते हैं। जिन इलाकों में अभी टीवी नहीं है, जैसे हमारे पाकिस्तान में बहुत से ऐसे देहात हैं जहाँ पे टेलीविज़न तो अगरचे होगा लेकिन लाइट की सहूलत नहीं है, केबल की सहूलत नहीं है या इंटरनेट नहीं है, तो वहाँ अब भी रेडियो वाहिद ज़रिए इब्लाग है। और ये आज के दौर में भी है, आप सिंध के इंटीरियर में चले जाएं, बहुत सी जगह आपको ऐसी मिलेगी जहाँ पे अभी भी टेलीविज़न के मुकाबले में रेडियो ही सुना जाता है। इसके अलावा इंटरनेट और कंप्यूटर के इंकलाब ने भी फिल्मों पर इंतहाई मुज़िर असरात मुरतब किए हैं। लोग सिनेमा घरों में जाकर फिल्म देखने के बजाय अब इंटरनेट और इसके डिफरेंट ऐप्स के ज़रिए घर बैठे ही रोज़ाना फिल्में देखते हैं। ना सिर्फ ये अपनी फिल्में देख सकते हैं बल्कि और मुल्कों की फिल्में भी अब आराम से घर बैठ के देख सकते हैं। इसके अलावा केबल ऑपरेटर्स भी रोज़ाना आने वाली नई फिल्मों को नाज़रीन के लिए लगा देते हैं। चुनाचे इन तमाम वजूहात ने फिल्म इंडस्ट्री पर इंतहाई मनफी असरात मुरतब किए हैं, इसलिए अब कोई भी फिल्म देखने के लिए सिनेमा हॉल में कम ही जाता है। जहाँ तक हम अपने मुल्क की बात करते हैं या कराची शहर की या कराची के चंद बड़े शहरों की, तो यहाँ भी फिर भी कुछ ऐसे सिस्टम आए हैं, कुछ मॉल्स बने हैं जहाँ पे बड़े बड़े ये सिनेमा हॉल्स बने हैं, तो वो एक बहरहाल उन्होंने कुछ लोगों को कैप्चर किया है, स्पेशली यहाँ के यूथ को कैप्चर किया है, लोग वहाँ पे जाना फिर भी शुरू हुए हैं। लेकिन अभी भी हमारे यहाँ उस लिहाज से फिल्म को पज़ीराई हासिल नहीं होती है जैसे कि बाहर के मुल्कों में या दीगर मुल्कों में होती है, हमारी पड़ोसी ममालिक में की जाती है जैसे, जिसका उसका ज़्यादा है। अगला पॉइंट नोट करें, रेडियो सुनना एक आसान काम है। आसान काम क्यों है? क्योंकि आप इसे गाड़ी में भी सुन सकते हैं, आप चल फिर रहे हों या घर में किसी काम में मसरूफ़ हों, आप साथ साथ रेडियो सुन सकते हैं। आपको रेडियो सुनने के लिए कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ता, जबकि रेडियो के मुकाबले में फिल्म देखना काफ़ी मुश्किल काम है। इसके लिए आपको फिल्म हॉल जाना पड़ता है, वहाँ 3-4 घंटे रुकना पड़ता है, मौसम की ख़राबी हो तो सिनेमा हॉल जाने से आपको रोक सकती है या कोई और मसरूफियात भी आपका रास्ता रोक सकती है। बाज़ अवकात टिकट्स इतनी महंगी होती हैं कि आप बाज़ दफ़ा आपको ऐसा लगता है कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो ये चंद वजूहात हैं जिनकी वजह से आप फिल्म के लिए जाना भी चाहते हैं तो बाज़ दफ़ा नहीं जा सकते हैं, जबकि रेडियो के लिए ऐसी कोई मजबूरी हाइल नहीं है। आप ये किसी वक्त भी किसी भी तरह सुन सकते हैं। अगर आपके पास रेडियो सेट नहीं है तो आप अपने इंटरनेट पे भी रेडियो के ऑप्शंस होते हैं, आप उस पर जाके सुन सकते हैं, एक प्रोग्राम और बार बार भी सुन सकते हैं, क्योंकि अब इंटरनेट के बाद ये सहूलत भी आ गई है कि आप किसी भी निजी चैनल को या रेडियो पाकिस्तान के जो भी प्रोग्राम्स हैं, खबरें हैं, उनको किसी वक्त भी आसानी से सुन सकते हैं। अगला पॉइंट नोट कर लें, रेडियो से नशर होने वाले प्रोग्राम सामईन के खतूत और इनकी तजावीज़ की रोशनी में तब्दील भी किए जा सकते हैं। इनका मजमून तब्दील करके कोई दूसरा मजमून मुंतखब किया जा सकता है, आवाज़ तब्दील की जा सकती है, प्रोग्राम किसी और कंपेयर को दिया जा सकता है, ठीक है, या इसके सौती असरात को बेहतर बनाया जा सकता है साउंड सिस्टम को, जबकि दूसरी तरफ फिल्म में नाज़रीन को ये सहूलत नहीं होती। फिल्म की नुमाइश पर लोग इसे पसंद करें तो फिल्म हिट हो जाती है, और अगर लोग नापसंद करें तो वो नाकाम हो जाती है। फिल्म देखने वालों की
राय की रोशनी में इसे तब्दील नहीं किया जा सकता है। अगला पॉइंट, रेडियो से एक पैगाम बार बार पेश किया जा सकता है। अगर पैगाम में तब्दीली की ज़रूरत हो तो बिला ताखिर की जा सकती है। चुनाचे इश्तहारात और पैगाम के लिए रेडियो बेहतर और सस्ता ज़रिया है, जबकि फिल्म के ज़रिए पैगाम को बार बार नहीं दोहराया जा सकता। कि आप कोई मैसेज देना चाहते हैं तो उसके लिए रेडियो बेस्ट है, आप उसमें इश्तहारात दे के या पब्लिक सर्विस मैसेज जिस टाइम भी चाहें दे सकते हैं, जबकि फ़िल्म के लिए आप ये काम बार बार नहीं कर सकते। किसी फिल्म में कोई पैगाम या नज़रिया एक ही बार समो दिया जाता है। अगर पैगाम में किसी तब्दीली की ज़रूरत हो तो इसके लिए नई फिल्म बनानी पड़ेगी। फिल्म हमेशा एक ही कॉन्सेप्ट पे बनती है और उसमें आगे आप रद्दोबदल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जबकि रेडियो में जो भी प्रोग्राम हो, प्रोग्राम के बीच में आप मुख्तलिफ इश्तहारात भी चला सकते हैं। इसके अलावा आप पब्लिक सर्विस मैसेज देते हैं, जो एक सहूलत है जो फिल्म में बहरहाल ये सहूलत नहीं है। अगला पॉइंट नोट करें, रेडियो से अपनी पसंद का प्रोग्राम तैयार करके नशर करना आसान होता है। इसके लिए रेडियो से वक्त ख़रीद लिया जाता है। रेडियो से नशर होने वाले इश्तहारात अमूमन इश्तहारी कंपनियां तैयार करती हैं, जबकि पैगाम देने के लिए अगर एक मुख्तसर दस्तावेज़ी फिल्म भी तैयार करना हो तो इस पर ज़्यादा अखराजात उठ जाते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए कैमरों, अदाकार, ट्रांसपोर्ट, रोशनी और दीगर टेक्निकल सर्विस की ज़रूरत होती है। अगला पॉइंट नोट करें, रेडियो प्रोग्राम रिकॉर्ड हो जाए तो किसी एक स्टेशन से नशर होने के साथ ही इसे हर जगह सुना जाता है और इस प्रोग्राम को दोबारा भी नशर किया जा सकता है। यानी आज का प्रोग्राम किसी मुनासिब मौके पर दोबारा भी चलाया जा सकता है, जबकि दूसरे जानब फिल्म की नुमाइश के लिए ख़ास एहतमाम करना पड़ता है। फिल्में आमतौर पर सिनेमा हॉल के अंदर दिखाई जाती हैं, और अगर सिनेमा से बाहर दिखाना मकसूद हो तो इसके लिए प्रोजेक्टर, स्क्रीन ऑपरेटर वगैरह का एहतमाम करना पड़ता है, और लोगों को फिल्म की इतला देने के लिए मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करने पड़ते हैं। रेडियो के ज़्यादातर प्रोग्राम स्टूडियो के अंदर रिकॉर्ड होते हैं, मगर मौजूदा दौर में एक रिपोर्टर या प्रोड्यूसर स्टूडियो से बाहर भी प्रोग्राम रिकॉर्ड कर लेता है। वो स्टूडियो से बाहर भी लोगों के इंटरव्यूज़ रिकॉर्ड कर सकता है, और जलसा गाहों में छोटे टेप की मदद से, या अब तो आपके पास मोबाइल भी है, प्रोग्राम रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। जबकि फिल्म ऐसे स्टूडियो में तैयार होती है जिस पर कसीर सरमाया सर्फ किया गया होता है। इसके लिए स्टोरी राइटर, स्क्रीन प्ले राइटर, अदाकार, फोटोग्राफी के माहिरीन की ज़रूरियात होती है। अगर स्टूडियो से बाहर कोई फिल्म बनाना हो या कोई शॉट लेना हो तो इस पर भी आपकी एक अच्छी खासी रकम खर्च हो जाती है। तो आपको हर काम बड़ी प्लानिंग से करना पड़ता है, और इसमें एक कसीर सरमाए की ज़रूरत होती है, जबकि रेडियो में ऐसा नहीं होता है। रेडियो के प्रोग्राम आप रिकॉर्ड आराम से कर लेते हैं, आप में इसमें ना लिबास के बारे में आपको ज़्यादा तरद्दुद करना पड़ता है, सिर्फ आवाज़ के ज़रिए आप चीज़ें लोगों तक पहुंचा देते हैं जो भी आपका पैगाम होता है। रेडियो से पेश किए जाने वाले प्रोग्राम बामकसद होते हैं, लेकिन वो मुनाफे के लिए तैयार और नशर नहीं होते। इन प्रोग्रामों में लोगों की पसंद और नापसंद का ख्याल रखा जाता है। प्रोग्राम सुनने वाले अपने रद्दअमल का इजहार खतूत के ज़रिए से करते हैं, जबकि अखबारात में भी इन प्रोग्रामों का मुहासबा किया जाता है। फिल्म की तैयारी में भी कोई इस्लाही मकसद हो सकता है, लेकिन इसका बुनियादी नुक्ता तफरी की फरामी ही होता है। तो ये थी वो खसूसियात जो आपने फिल्म और रेडियो के बारे में सुनी और नोट की होंगी। ये तीन कंपैरिजन अब आपके सामने आ गए हैं, रेडियो वर्सेस न्यूज़पेपर, रेडियो वर्सेस टेलीविज़न और रेडियो वर्सेस फिल्म। आप इसको दोबारा सुनें, इसको अपने जहन नशीन करें, और इन तमाम चीज़ों को सुनने के बाद आपका काम यह है कि आप इन चीज़ों की एक समरी अपने पास रखें और इन चीज़ों को अच्छी तरह जहन नशीन कर लें। आज का हमारा सेकंड सेशन यहाँ पर इख्तिताम पज़ीर होता है। अगले सेशन के साथ इंशाल्लाह आपसे फिर बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।